इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किच ऑफ लॉ किच ऑफ लॉ के दो लॉज हैं एक पहला बोलते हैं जंक्शन लॉ दूसरे को बोलते हैं लूप लॉ पहले की बात करें जंक्शन लॉ इसको करंट लॉ भी बोलते हैं किच ऑफ करंट लॉ किच ऑफ जी बोलते हैं कि अगर एक जंक्शन है आपके पास तो उसमें जितना करंट इन होगा यानी कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट फ्लो आउट होगा यानी कि जितना करंट इनकमिंग होगा उतना ही करंट आउट होगा क्योंकि यहां पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होता है तो कोई भी करंट एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो दिस इज फंडामेंटली चार्ज कंजर्वेशन चार्ज जितना आएगा उतना ही आउटफ्लो होगा सो वी कैन से दैट सिग्मा नेट करंट फ्लो इनसाइड विल बी इक्वल टू नेट करंट फ्लोइंग आउटसाइड एट ए जंक्शन इसीलिए इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं सेकेंड है आपका लूप लॉ लूप लॉ में बोल इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं वोल्टेज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है ये इसमें बोलते हैं कि आप अगर एक लूप में जाए यानी कि एक लूप के थ्रू आप रोटेट करें यानी कि आप यहां पर देखें V A से स्टार्ट करते हैं सो यू गो इन दिस अगर आप स्टार्ट करते हैं V ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी ए वी सी माइनस वी ए आपने देखा वी ए माइनस वी बी इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा दिस इज एंड वीबी माइनस वी सी इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा और वी सी वी सी इज इक्वल टू डी आप इसको डी बी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू सी ये आपका सी रहेगा ओके बोथ पॉइंट ये वी बी माइनस वी ए हो जाएगा दिस इज वीबी माइनस वी सी और ये होगा वीसी माइनस वी ए सो यू स्टार्टेड विद ए और बी पर गए बी से सी पर गए और दिस बस सी और सी से ए पर आए तो एक लूप में अगर आप कर पोटेंशियल देखोगे तो अगर आपने ए से स्टार्ट किया है ए पर ही आए तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जीरो होगा एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं एक लेट से दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी ओके हम ए से स्टार्ट करेंगे गो we'll ए टू आप देखेंगे करंट पॉजिटिव टर्मिनल से negative terminal की flow होगा। तो ए पर हायर पोटेंशियल होगा और बी पर लोअर पोटेंशियल होगा तो हम वी ए माइनस वी बी वी ए माइनस वी बी को क्या लिखेंगे दिस इज आई आर ओके इनस वी बी इज आई आर यानि कि यहां पर करंट आई फ्लो हो रहा है और आर क्या होगा वन ओम हो जाएगा सो वी कैन से आई इंटू वन ओम देन वी बी माइनस वी सी ओके इसको हम अगेन आई आर लिखेंगे ओके सो दिस वि आई इंटू टू एंड वी सी माइनस वी डी अगेन दिस इज आई आर ये होगा आई इंटू थ्री ओके एंड नाव इज द वी डी माइनस वी ए वी डी माइनस वी ए देखेंगे आप डी इज द लोअर पोटेंशियल एंड ए इज द हायर पोटेंशियल तो डी लोअर है और ए हायर है तो so ये नेगेटिव आने वाला है सो so आप यहां से यहां जाएंगे राइज होगा लेकिन वी डी माइनस वी ए निकालने आपको वी ए माइनस वी डी अगर आप देखेंगे दैट इज द ऑफ़ द बैटरी बट आप वी डी माइनस वी ए निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस ई e. आप दोनों को सम करेंगे एल एच एस आर एच एस को एल एच एस में आप देखेंगे जीरो आएगा आर एच एस में देखेंगे आई इंटू वन प्लस टू आई प्लस थ्री आई माइनस ई एम एफ इक्व टू जीरो तो आप यहां से निकाल सकते हैं ई एम एफ इक्व टू आई इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री और आप आई कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप देखेंगे एक पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो टोटल लूप में जाने पर आपका क्या होगा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और ये सर्किट में किसी भी लूप में वैलिड होता है इसी पर बेस कुछ एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर वन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ये फिगर आपको दिया हुआ है। ए का पोटेंशियल दिया हुआ है टू ओके। okay. तो आप देखेंगे कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है लेट से दिस पॉइंट इज दिस पॉइंट इज डी सो वी कैन से वी ए प्लस वी सी सॉरी वी ए माइनस वी सी इक्वस टू आई इंटू आर सो वी ए कैन बी गिवन एज वी सी प्लस आई आर और अगर आप वी सी निकालने जाए वी सी इक्वल टू वी ए माइनस आई आर यानी कि अगर आपको C का पोटेंशियल चाहिए तो वी एम से आप आई आर माइनस कर दो तो आपको वी सी मिल जाएगा ठीक है तो वी सी इक्वल टू क्या होगा वी ए माइनस आई इज गिवन टू एम्पीर टू इंटू टू ओके दिस इज वी सी एंड वी डी आप निकालेंगे तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव से नेगेटिव पर आएंगे तो ड्रॉप होगा तो वी डी विल बी vc minus 3 ampere minus 3 ampere sorry 3 volt आप vb निकालने जाएंगे vb will be vd minus ir यानी कि i है आपका 2 ampere और आपका रेजिस्टेंस है 1 तो आप देखेंगे vd आप इस जगह रखेंगे vb will be vd को आप क्या रखेंगे vc माइनस थ्री वोल्ट माइनस टू इंटू वन ये रहेगा आपने वी डी की जगह ये रख दिया अब आप वी सी की जगह आप ये रखने वाले तो ये आएगा वी ए माइनस टू इंटू टू माइनस थ्री वोल्ट माइनस टू इंटू वन तो आपके पास आ जाएगा वी ए माइनस फोर टू सिक्स नाइन इक्वल टू वी बी तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे वी बी इक्व टू वोल्ट और आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो नाइन वोल्ट इक्वल टू वी ए माइनस वी बी आ जाएगा इस तरह से कर सकते हैं दूसरा तरीका आप यह देख सकते हैं कि आप यहां से ड्रॉप जाए यानी कि वी ए माइनस टू इंटू टू यह हुआ सी पर पहुंच गए इसके बाद फिर ड्रॉप होगा माइनस थ्री फिर इसके बाद फिर ड्रॉप होगा करंट की डायरेक्शन में माइनस टू एम्पियर इंटू वन इक्व टू वी बी यू स्टार्टेड विद फ्रॉम ए ए से ड्रॉप हुआ फिर ड्रॉप हुआ फिर ड्रॉप हुआ, हुआ और आप बी पर पहुंच जाते हैं तो इस तरह से आप शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं ये आपको नाइन आएगा वी ए माइनस वी बी इसको आप राइट में ले जाएंगे वी बी को लेफ्ट में लाएंगे यू विल गेट दिस इक्वेशन और आप डायरेक्ट बी निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जंक्शन लॉ का एग्जांपल। यहां पर एक फिगर दिया हुआ है और आपको कुछ करंट्स की वैल्यू दे रखी है आई वन इक्व टू माइनस थ्री एम पीयर जीरो पॉइंट थ्री एम पी आई फोर इक्व टू जीरो टू जीरो और आपको पूछे गए हैं आई टू आई थ्री एंड आई सिक्स आप इस तरह से देखें। तो आप देखेंगे कि यहां पर आई टू और आई वन दोनों इनकमिंग है और यहां पर जो करंट जाएगा ये फ्लोइंग है आई फोर आप पहले एक रिलेशन दिखेंगे आई फोर I4 टू आई वन प्लस आई टू ओके एक इक्वेशन आएगी यहां से आप देखेंगे कि I1, I4 की वैल्यू आपको दी हुई है I1, I4 की वैल्यू है तो आप I2 निकाल सकते हैं I2 टू इक्वस टू आई फोर माइनस आई वन की वैल्यू है 0.8 पॉइंट एट माइनस आई वन यानी कि माइनस ऑफ माइनस जीरो पॉइंट थ्री माइनस ऑफ माइनस जीरो पॉइंट थ्री तो आपको मिल जाएगा वन पॉइंट वन एम ये आई टू की वाली वैल्यू आ जाएगी आई थ्री की वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप इस जंक्शन पर देखेंगे इस जंक्शन पर आप बोल सकते हैं कि आई फोर इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फाइव यहां पर देखेंगे कि इनकमिंग इनकमिंग करंट है आपका I4 और आउट गोइंग ये दोनों आउट गोइंग होंगे तो I3 ये I3 होगा क्योंकि इस ब्रांच में I3 है और ये I5 होगा इस ब्रांच में I5 है हम बोल सकते हैं i4 equals to i3 plus i5 सो so, यहां पर हम बोल सकते हैं i4 इज गिवन i4 आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.4 i3 आपको निकालना है i5 की वैल्यू 0.4 एम्पीयर है सो यू विल गेट i3 0.4 एम्पीयर सिंपली i3 i2 हमारे पास आ चुके हैं हमें i1 निकालना है वी नीड टू कैलकुलेट i6 तो so, आप देख सकते हैं कि आई फाइव जा रहा है इस ब्रांच में और ये आई सिक्स है तो आप देख सकते हैं आई थ्री है। की वैल्यू जीरो पॉइंट फोर एमपियर एंड आई सिक्स की वैल्यू भी जीरो पॉइंट फोर एम्पियर तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा इस का. देखते हैं. में आपको लूप के थ्रू जाना है पर दो बैटरी कनेक्टेड है, okay. 10 है. Circuit, पर बैटरी का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है सो वी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी अभी हमने वो स्टडी नहीं किया और यहां पर गिवन भी नहीं है सो विल नॉट कंसिडर एनी इंटरनल रेजिस्टेंस

यहां पर दो इक्वेशन है तो एटलीस्ट आपको दो लूप बनाने पड़ेंगे तो आप अगर इस लूप में रोटेट करें इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं हम ए इसको पी ओके दिस पॉइंट विल बी अगेन बी एंड द पोटेंशियल विल बी बी ओनली ओके सो आप देखेंगे इस लूप में अगर आप इस लूप में रोटेट करते हैं तो यू स्टार्ट फ्रॉम ए

आप देखेंगे सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे आप ए से स्टार्ट करेंगे वी ए माइनस वी बी और ये भी पॉइंट पॉइंट क्या होगा 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 बी बी सेम पोटेंशियल वी माइनस वी ए सो वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी ए हम क्या लिखेंगे जीरो माइनस बी बी वी ए माइनस वी बी इज टेन वोल्ट यानि कि ए आपका हायर पर होगा टेन वोल्ट वी बी माइनस वी एक्वल टू ई आर होगा या हायर पोटेंशियल पर होगा ये लोअर पोटेंशियल पर होगा तो हम बोल सकते हैं आई वन इन टू आर दट इज ट्वेंटी आई वन की वैल्यू आपको मिल जाएगी टेन ओवर टेन ओवर ट्वेंटी माइनस दैट इज माइनस वन बाई टू दैट इज माइनस जीरो पॉइंट फाइव यानी कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ये वाली डायरेक्शन होगी अब दूसरा हम इस लूप में जा सकते हैं इस लूप में आप यहां से स्टार्ट करें लेट से दिस इज डी पॉइंट ओके डी पॉइंट हो गया आप बोल सकते हैं वी डी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी डी इक्वल टू जीरो यानी कि दिस इज वी डी माइनस वी ए वी बी वी ए माइनस वी बी और ये पॉइंट वी बी है और इसमें जाएंगे तो वी बी माइनस वी डी सो आपको टोटल जीरो मिलना है वी डी माइनस वी ए आप क्या देखेंगे देखो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं तो यहां माइनस टेन वोल्ट होगा डी लोअर रेजिस्टेंस पर होगा प्लस वी ए माइनस वी बी प्लस टेन वोल्ट होगा आप देखेंगे यहां पर डिक्रीज हुआ है और यहां पर इंक्रीज हुआ है ओके सो यू विल सी इसके अक्रॉस प्लस वी बी माइनस वी बी क्या होगा हायर पोटेंशियल पर होगा प्लस आई टू इंटू ट्वेंटी इक्वल टू जीरो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा तो आई टू की वैल्यू आपको जीरो आ जाएगी तो आपको I1 की वैल्यू जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट फाइव आई है यानी कि आपका I1 वन अपर साइड में होगा डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और वैल्यू कितनी होगी जीरो तो आंसर क्या होगा आंसर विल बी सी इस क्वेश्चन में देखेंगे यहां पर एक फिगर गिवन है करंट इन द डिफरेंट ब्रांचेज एंड वैल्यू ऑफ रन वन रजिस्टर शोन पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए यानी कि ए के रेस्पेक्ट में बी का पोटेंशियल पूछा हुआ है यानी कि पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए पूछा हुआ तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर रजिस्टर्स की वैल्यू गिवन नहीं है ये रजिस्टर अननोन है अब इस सर्किट को पूरा सॉल्व करने की बजाय आप इसमें बहुत ट्रिकी तरीके से जा सकते हैं आप किरचॉफ्स के जंक्शन रूल को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इस ब्रांच में यानी कि इस ब्रांच में वन एम्पियर जा रहा है और यहां पर टू एम्पियर है So, यहां से यू कैन डिड्यूस दैट इट विल बी वन एम्पीयर यहां से वन एम्पीयर और यहां से वन एम्पीयर कलेक्ट होकर इधर जाएगा टू एम्पीयर आपके पास ये वन एम्पीयर आने वाला है आप ए से सी के रेस्पेक्ट में जा सकते हैं आप बोल सकते हैं वेलोस पोटेंशियल ऑफ सी इक्वल्स टू वी आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएंगे तो प्लस वन वोल्ट ओके अब यहां से सी पर आप डी पर जाएंगे तो पोटेंशियल ऑफ डी पोटेंशियल ऑफ सी आप देखेंगे करंट के अंगेस्ट में जा रहे हैं तो डी का हायर पर होगा प्लस वन इंटू टू आई इंटू आर यानी कि वी सी प्लस टू वोल्ट होगा और वी सी की वैल्यू आपको गिवन है वोल्ट सो यू विल गेट वी ए प्लस थ्री वोल्ट अब आपके पास डी आने के बाद आप देखेंगे D में आपका माइनस टू होगा D इज ऑन हायर और B आपका लोअर पर होगा सो यू विल गेट पोटेंशियल ऑफ B बीव टू पोटेंशियल ऑफ D माइनस टू वोल्ट सो आप पोटेंशियल ऑफ D को लिखेंगे वी ए प्लस थ्री वोल्ट और इसमें से टू वोल्ट माइनस कर देंगे तो यू विल गेट वी ए प्लस वन वोल्ट आप वी बी माइनस वी ए निकालेंगे गेट वन वोल्ट आपका आंसर होगा डी यानी कि वन वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर एक सर्किट गिविन है सर्किट में आर वन वन ओम है आर टू की वैल्यू है टू ओम ई वन टू वोल्ट है और ई टू ई थ्री दोनों फोर वोल्ट है आपको पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज अप्रोक्सीमेटली इन वोल्ट तो आपको ये कुछ सर्किट दिया हुआ है अगर हम ए बी दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी इस ब्रांच में अगर हम करंट आई मान लेते हैं तो इस ब्रांच की तरफ राइट साइड की तरफ अगर आई वन करंट जा रहा है तो रिमेनिंग करंट क्या होगा आई माइनस आई वन जंक्शन लॉ से देख सकते हैं इन दोनों का सम यानी कि करंट आउट गोइंग इज दोनों का सम करेंगे तो आई आएगा और इनकमिंग करेंगे तो भी आई है तो यानी कि आई करंट इधर आ रहा था आई इधर चला गया रिमेनिंग करंट इधर जाएगा ओके okay. हमने जंक्शन लॉ लगाया उसके बाद हम लूप लॉ की हेल्प लेंगे और यहाँ पर दो हमारे पास अनोन है आई वन एन आई आई वन आई आने के बाद हम यहाँ पर हमको ई टू पता है आर टू पता है तो वी बी माइनस वी ए निकाल सकते हैं ओके सो फर्स्ट हमने ये राइट right साइड वाला लूप गया है अगर B से हम इधर जाएं तो यहां पर पोटेंशियल राइज होगा 4 वोल्ट का इसको हमने पोटेंशियल राइज बोला है. इस पॉइंट से अगर हम ए पर जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है यानी कि इस पॉइंट का हायर होगा और दूसरे का लोअर होगा तो ये पहले फोर पॉइंट का राइज हुआ फिर टू इंटू आई यानी कि आर टू की वैल्यू है माइनस आई इंटू टू ओम यानी कि आर टू इतना ड्रॉप होगा दैट इज टू आई इसके अक्रॉस कितना होगा आई वन आर वन इसमें आएगा माइनस आई वन आर वन आर वन की वैल्यू है वन आई वन अगेन यहाँ पर ड्रॉप कितना आएगा E3 के बराबर ड्रॉप आएगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं E3 की वैल्यू है टू वोल्ट तो यहाँ पर माइनस फोर आएगा that is -4. Again, I1 R1, दो बारी है यहाँ पर तो ये आई माइनस आई वन माइनस आई वन ये टू आई वन हो जाएगा तो आप फिर से देखिए यहां पर राइज हुआ फोर वोल्ट का यहां पर ड्रॉप हुआ आई इंटू टू का यहां पर ड्रॉप हुआ और यहां पर भी ड्रॉप होगा और यहां पर भी ड्रॉप होगा तो ये टू आई वन आएगा और ये ड्रॉप माइनस फोर आएगा तो zero है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा आई प्लस आई वन इक्व टू जीरो आई आई प्लस आई वन इक्व टू जीरो एक इक्वेशन आ, आ चुकी है दूसरा हम क्या करेंगे इस लॉप लूप में जाएंगे राइट साइड वाले लूप में जाएंगे तो बी से आप जाते हैं तो प्लस फोर का राइज होता है करंट की डायरेक्शन में जाते हैं टू आई का ड्रॉप होगा टू इज द रेजिस्टेंस आई इज द करंट अगेन यहां पर आई माइनस आई वन ड्रॉप होगा माइनस होगा माइनस आई माइनस आई वन ड्रॉप होगा तो यहां पर देखें ये दो बार ड्रॉप हो रहा है आर वन के अक्रॉस और सेम करंट है ब्रांच में तो इसको हम टू टाइम्स लिख देंगे टू टाइम्स आई माइनस आई वन और ये ड्रॉप को हम माइनस टू से लिखेंगे जो भी ड्रॉप होगा उसको माइनस से लिखेंगे और राइज होगा उसको प्लस से लिखेंगे तो आपने स्टार्ट किया था बी से एंड यू कम टू द बी तो यहां पर क्या होगा पूरे लूप में हमारा करंट पोटेंशियल ड्रॉप क्या है जीरो होगा। B से स्टार्ट कर रहे हैं, तो टोटल ड्रॉप इन द लूपीरोक्वेशन आई है ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी दोनों को ऐड करेंगे आई वन आई वन कैंसिल आपके पास आ जाएगा थ्री आई आई की वैल्यू आप वन बाई थ्री निकाल लेंगे अब हमने निकालना है ई टू और, तो हाँ तो और यहां पर ड्रॉप आएगा तो दैट इज आई माइनस आर टू ई टू की वैल्यू फोर वोल्ट आई की वैल्यू टू एम पी है सॉरी आर टू की वैल्यू टू एम वोल्ट टू ओम और आई की वैल्यू वन बाई थ्री को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एप्रोक्स 3.3 तो आपकी आंसर हो जाएगा डी दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखो इन सर्किट शोन इन द सेल ए एंड बी हैव द एंडगलिजिबल रेजिस्टेंस यहां पर बैटरीज का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है आर की वैल्यू आपको हंड्रेड ओम गिवेन है तो आप देखेंगे इसके अक्रॉस कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है तो आपको R1 दे रखा है R दे रखा है दिस इज R1 वन इज फाइव हंड्रेड ओम दिस इज हंड्रेड ओम तो आप देखेंगे दिस वी बी इसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल ऑफ कैपिटल से लिख देते हैं so, अगर इसके अक्रॉस ड्रॉप और इसके अक्रॉस ड्रॉप सेम रहेगा तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा आपके गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो आएगी यानी कि कोई भी रीडिंग नहीं आएगी तो so, हम बोल सकते हैं कि यहां पर लेट से करंट आई इज फ्लोइंग सो वी कैन से वी बी इक्वल्स टू निकाल सकते हैं आई इक्व टू टोटल पोटेंशियलेंट होगा दैट इज वी एज गिवेन ट्वेल्व आर एंड दिस इज सिक्स हंड्रेड सो दिस इज टू बाई हंड्रेड आई की वैल्यू टू बाई हंड्रेड है तो वी बी आप निकालेंगे दैट इज हंड्रेड इंटू आई यू विल गेट टू बाई हंड्रेड इंटू हंड्रेड आपकी वैल्यू वी बी की वैल्यू टू वोल्ट्स आ जाएगी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका बी इसके बाद हम स्टडी करते हैं बैटरी ई एम एफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस तो बैटरी कुछ इस प्रकार की होती है उसमें एक लिक्विड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं और बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है और यहां पर हम सर्किट कनेक्ट करते हैं यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं करंट फ्लो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जबकि आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। करंट की डायरेक्शन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है और बैटरी का पोटेंशियल ईएमएफ बोलते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से डेवलप होता है इन द इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होता है उसको बोलते हैं ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं होती है एज इन पोटेंशियल होता है इसको हम ई e से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द ई एम एफ ऑफ द सेल और द बैटरी इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स वेन नो करंट इज फ्लोइंग कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है व्हेन करंट 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 इज 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 नॉट नॉट फ्लोइंग फ्लोइंग ओके जब जीरो होता है दैट द द ईएमएफ पोटेंशियल अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स करंट फ्लो होता है उस जगह वैल्यू चेंज हो जाती है ये जो इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है इसका एक रजिस्टेंस होता है सो रजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सेल और द बैटरी तो हम बैटरी का कुछ सर्किट डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं लेट से ए एंड बी आर द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस जब आपके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है तो उस दर, उस केस में हम वी ए माइनस वी बी यानी कि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू टर्मिनल हम लिख सकते हैं वी ए कैन बी रिटेन एज वी ए कैन बी रिटर्न एज वी बी आई आर प्लस ई वी बी माइनस आई आर प्लस ई एम एफ ऑफ द बैटरी यानी कि वी बी में यहां से ड्रॉप होगा और यहां पर राइज होगा वी बी माइनस आई आर एंड प्लस ई इस तरह से आप वी ए लिख सकते हैं और वी ए माइनस वी बी आप करेंगे तो आपको आ जाएगा ई माइनस आई आर तो इन दिस करंट इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि करंट सर्किट में इस तरह से फ्लो कर रहा है बैटरी के क्रॉस तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स को हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी और वो कैसे आएगा देखो वी ए माइनस वी बी तो हम बोल सकते हैं वी बी में प्लस होगा क्योंकि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दिस इज प्लस आई आर और यहां पर प्लस ई e होगा तो हम बोल सकते हैं वी बी में प्लस आई आर करेंगे प्लस ई करेंगे तो अपने को वी ए की वैल्यू हो जाएगी इस केस में हम आई आर प्लस वी बी हो जाएगा तो आप देखेंगे दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स दैट वुड बी ई माइनस आई आर इसको बोलते हैं कि अगर बैटरी चार्ज हो रही है चार्ज हो रही है यानी कि चार्जिंग के केस में बोलते हैं ये एज इन चार्जिंग के केस में नहीं है अगर सर्किट में है ये पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है अगर करंट ड्यू टू सम एक्सटर्नल या फिर अदर कोई बैटरी कनेक्टेड है उस केस में अगर करंट इज एंटरिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल विल बी ई प्लस आई आर अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट हो रहा है और एंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल पे उस केस में होगा ई माइनस आई आर तो ये हमें ध्यान रखना है उसके बाद अगर आपका सर्किट में बैटरी और सेल कनेक्टेड है तो उस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं तो आप देखेंगे अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो दिस इज प्लस ई आपने ई एम एफ प्लस होगा तो यू विल राइट प्लस ई इसके अक्रॉस करंट आई जा रहा है माइनस आई आर कैपिटल आर दिस इज द लोड रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट and this is the internal इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई स्मोल आप लिखेंगे प्लस ई इसका potential rise होगा इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पर जाएंगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो माइनस आई आर में अब इसके थ्रू आप करेंट की डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो माइनस आई आर तो टोटल लूप में आप घूमेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा ई तो माइनस e इक्वल टू आई आर प्लस आर हो जाएगा और करंट की वैल्यू आएगी आपकी e R R. इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस से आप करंट निकाल सकते हैं दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ओके एक केस होता है पावर अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस पावर कितनी आएगी पावर अक्रॉस द कैपिटल आर तो हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर I को आप क्या लिख सकते हैं E अपॉन R प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर इसके अक्रॉस पावर जो कंज्यूम होगी या फिर हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम होगी तो पावर कैन बी रिटेन एज आई व्हिच विल बी दिस एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ये एक्सप्रेशन आने के बाद अगर हम मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करें इसके थ्रू तो क्या कंडीशन होगी मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या करेंगे डी पी वाई डी आर यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसको अगर हम जीरो कर दें इसको आप डिफरेंशियट करेंगे तो आप पहले इस टर्म को डिफरेंशियट करेंगे पहले इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें पहले आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये एज इट इज रहेगा फिर आपका आर एज इट इज रहेगा और इस पूरे टर्म को डिफरेंशियट करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कंडीशन आ जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल के बराबर होगी तो आपकी पावर कंज्यूम्ड विल बी द मैक्सिमम। नेक्स्ट केस में अगर हम बैटरीज और सेल्स का कनेक्शन देखते हैं सीरीज और पैरेलल में अगर बैटरीज के टर्मिनल को सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल देन दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इंटरनल तो आप देखेंगे negative से positive, then negative से से में आपका है. है तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम इन बैटरीज को एक रिप्लेस कर दें और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर यहाँ पर आर वन और आर टू है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ई वन एंड ई टू एंड ई वन एंड ई टू इज द सेल्स तो सीरीज के, के केस में दिस इज कनेक्शन इन द सीरीज तो सीरीज के के केस में इक्विलेंट आपका ई आता है ई वन प्लस ई टू और इक्विलेंट रजिस्टेंस इंटरनल आता है यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस प्लस हो जाएंगे और इन दोनों का ई एम हो जाएगा इफ द दे हैव द पॉजिटिव टर्मिनल इन द सेम डायरेक्शन वेयर एज अगर आप इनको थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं और Condition है आपका ईवन इज ग्रेटर है तो 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 E1 E1 करेगा 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 E2 से से का ये इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है पर positive direction के तरफ जाएगा करंट ओके okay. क्योंकि E1 ज्यादा है तो E1 डिसाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट केस में आप देखेंगे यहां पर ड्रॉप होगा और यहां पर राइज होगा तो आप देखेंगे E1 वन इज द राइज एंड ई टू इज द ड्रॉप इस केस में इक्विलेंट आपकी क्या होगी E1 वन ग्रेटर तो ये पॉजिटिव आएगा और E2 टू नेगेटिव आएगा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया है इक्विलेंट ई एम एफ ऑफ द सेल विल बी वन माइनस ई टू और आर तो दोनों केस में प्लस होगा यहां पर आर वन प्लस आर टू आ जाएगा इफ द बैटरीज आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन Whereas, अगर आप बैटरीज को पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं अगर आपके पास सेवरल बैटरीज ऐसे पैरल कनेक्टेड है तो अगर आप इसका इक्विलेंट सर्किट एक ड्रॉ करें लाइक दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ओके दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी सो आर इज द इक्विलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दिस बैटरीज एन ई इज द ऑफ द बैटरी यानी कि इन बैटरीज को आप एक बैटरी से रिप्लेस करें तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा और उसका कितना होना चाहिए ओके तो यहां पर पैरल केस में आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं इक्विलेंट रेजिस्टेंस वही आएगा जो पैरल कॉम्बिनेशन का होता है वन बाई आर इक्विलेंट इक्व टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर फोर एन सो ऑन इस तरह से आप वन अपॉन आर इक्वलेंट लिखेंगे और EMF equivalent को लिखेंगे वन बाई आर इक्वलेंट से by equivalent से डिवाइड कर देंगे दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ इक्वलेंट ई एम एफ ये हमें याद करके रखना है ये कई इक्वेशन में है कई क्वेश्चन questions...

तो आप करंट फ्लो होगा इद, इस डायरेक्शन में तो फर्स्ट सेल के अक्रॉस आप देखेंगे दिस इज़ माइनस आई प्लस ई टू इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो आप देख सकते हैं आई इन टू आर वन इक्व टूमएफ हो जाएगा और आप देखेंगे आई की वैल्यू ई अपॉन आर वन आई आप देख सकते हैं कि इक्विलेंट इक्विलेंट क्या आएगा ई वन प्लस ई e, टू आएगा और आर आपका क्या होगा सर्किट का आर इक्विलेंट क्या होगा टोटल आर इक्विलेंट आप प्लस आर और कर देंगे ये इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विलेंट होगा और ये सीरीज में कनेक्टेड है तो प्लस आर हो जाएगा तो आप ई e, आई को निकाल सकते हैं टू ई अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं यू कैन इक्वेट एंड यू विल गेट E अपॉन आर वन इक्व टू टूवर आर वन प्लस आर टू प्लस कैपिटल आर सो यू विल गेट आर वन प्लस आर टू प्लस कैपिटल आर इक्व टू टू आर वन यहां से यू विल गेट आर टूक्व टू आर वन आर वन कैंसिल हो जाएगा दिस इज आर वन माइनस आर टू ये वैल्यू होगी आपके आर टू की आप देख सकते हैं आपका आंसर होगा पी नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहां पर टू गिवन है सर्किट विद रेजिस्टेंस ऑफ नाइन शोन इन दिग्गर द करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू आर पी और क्यू के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप देखेंगे कि यहां पर बैटरीज ऑपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड है सो so, यहाँ पर 8 वोल्ट इज द लार्जर बैटरी और ये 4 वोल्ट है तो so, आप करंट फ्लो डायरेक्शन डिसाइड होगा 8 वोल्ट से पॉजिटिव so, टर्मिनल से करंट डिसाइड फ्लो होगा दिस वे एंटी क्लॉक फ्लो होगा तो so, आप इक्वलेंट e निकाल सकते हैं 8 माइनस फोर दैट इज 4 वोल्ट आ जाएगा और आर इक्वेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे यानी कि ओम आ जाएगा करंट इन द सर्किट निकाल सकते हैं 4 upon 3 plus 9, ये external resistance है, तो फोर बाई ट्वेल्व यानी कि करंट आ जाएगा आपका वन बाई थ्री एम करंट आ जाएगा वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू तो आप बैटरीज के थ्रू ना जाके नाइन ओम के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू तो आप पोटेंशियल डिफरेंस पी एंड क्यू निकाल सकते हैं दैट विल बी इसके थ्रू होगा करंट वन बाई थ्री और इसमें नाइन ओम का रेजिस्टेंस होगा तो आप नाइन इंटू वन बाई थ्री दैट इज थ्री वोल्ट आ जाएगा सो अद आंसर विल बी करंट होगा वन बाई थ्री एंड पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका थ्री वोल्ट